Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10A, question number 7 for class 8. Question which is given, coffee costing rupees 250 per kg was mixed with chicory rupees 75 per kg in the ratio of 5:2. मतलब कहा जा रहा है कि कॉफ़ी का जो पर के जी कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ है और चिकोरी का कॉस्ट जो पर के जी 75 और उन दोनों का मिक्सचर तैयार किया गया उनका रेशियो था 5:2 फॉर अ सर्टेन लिमिट इफ द मिक्सचर वॉज सोल्ड एट रुपीज़ 230 पर के जी और उस मिक्सचर को 230 पर के जी से सेल की गई तो गेन हुआ या लॉस हुआ उसका हमें परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको हिंट्स भी दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं। लेट 5 kg ऑफ कॉफ़ी मिक्स्ड विथ 2 kg ऑफ चिकोरी, है ना। लेट 5 kg जो रेशियो है उसने हमें उसे हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया और ये ऑलरेडी बुक में हिंट्स भी दिया हुआ है। 5 kg ऑफ कॉफ़ी मिक्स्ड विथ 2 kg ऑफ चिकोरी। अब 5 kg कॉफ़ी का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो टोटल वेट क्या हो गया, मिक्सर का टोटल वेट क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 5 kg प्लस में 2 kg इक्वल टू 7 kg। अब दोनों का सीपी अलग अलग फाइंड कर लेंगे। सीपी ऑफ 5 kg ऑफ कॉफी इक्वल टू 5 मल्टीपल में 250 विच इज 1250। सिमिलरली सीपी ऑफ 2 kg ऑफ चिकोरी इक्वल टू 2 मल्टीपल में 75 विच इज 150 रुपीज। तो टोटल सीपी क्या हो गया, टोटल सीपी इक्वल टू 1250 प्लस में 150 इक्वल टू 1400। ठीक है, हमारे पास टोटल वेट भी है और टोटल सीपी भी। अब फाइंड कर लेते हैं कि 7 kg का SP क्या होगा, यानी सोल्ड प्राइस क्या होगा। नाउ SP ऑफ 7 kg ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 7 मल्टीपल में 230 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग इसका रेट था। इनको जो मल्टीपल करोगे तब आ जाएगा इनको मल्टीपल करोगे तो 1610 रुपीज आएंगे। तो सिंस SP ग्रेटर देन CP देयरफॉर गेन इक्वल टू SP माइनस में CP। जब गेन होता है तो SP से CP को माइनस करते हैं। 1610 माइनस में 1400 इक्वल टू गेन आ गया रुपीस 210। अब गेन परसेंट फाइंड कर लेते हैं। गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन में CP मल्टीपल में 100 गेन 210 एंड अपॉन में CP टोटल सीपी 1400 मल्टीपल में 100 202 कैंसिल हो गए एंड 7 2 7 3 ये हो गए कैंसिल हो गए 50। गेन परसेंट इक्वल टू 50%। जब वो शॉपकीपर 230 पर केजी के से अगर उस मिक्सर को सेल करता है तो उसे 15% की प्रॉफिट होगी। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।